Welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is very new because अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे वो था सर्कुलेटरी सिस्टम लाइफ प्रोसेस में. अब लाइफ प्रोसेस में एक नया फिजियोलॉजी है ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में कहा जाए, वो है एक्सक्रेटरी सिस्टम. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया. अब जो है हम पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी खा लिया, सांस ले लिया, ब्लड का पंपिंग कर लिया, अब जो खाया पिया है उसको अब बाहर भी निकालना है एज अ वेस्ट. ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये क्योंकि अब नया है, अभी हम लोगों ने इसकी स्टडी नहीं करी है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो लेट्स बिगिन द वीडियो. फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सक्रेटरी सिस्टम का डिफिनेशन, देखेंगे कि भाई होता क्या है. जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं. तो डिफिनेशन में अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रेशन. यानी हमारी बॉडी, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है ढेर सारे सेल से बनी हुई है और ये सेल जो है कंटिन्यूसली वर्क परफॉर्म करते हैं, कंटिन्यूसली यू नो ढेर सारी एक्टिविटी करते हैं. जब वो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं या बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है तो उसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं और यूजफुल प्रोडक्ट भी बनते हैं. जो यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं वो बॉडी यूटिलाइज कर लेती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं बॉडी में वो क्योंकि इतना हार्मफुल होते हैं कि उनको बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते, उनको बॉडी से बाहर निकालने ही है हमें. जब तक हम नहीं निकालेंगे वो पॉइजनस होते हैं, पॉइजन है उसके अंदर, तो उससे डेथ भी कॉज हो सकता है. इसीलिए एक्सक्रेटरी सिस्टम जो होता है वो हर एनिमल्स की बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में होता है, जिससे वो वेस्ट प्रोडक्ट जो बहुत ही पॉइजनस है उसको हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. तो क्या हमने बताया कि हमारी बॉडी में जो सेल है वो कंटिन्यूस बायोकेमिकल एक्टिविटीज या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, जिसमें वो ढेर सारे प्रोडक्ट बना रही है, कुछ यूजफुल बना रही है, कोई हार्मफुल बना रही है. यूजफुल को तो उसने यूटिलाइज कर लिया, बट जो हार्मफुल प्रोडक्ट है दे आर वेरी वेरी डेंजरस और दे आर पॉइजनस. ठीक है, तो उनको बॉडी से बाहर निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं, जिससे हम बॉडी से किसी भी चीज़ को बाहर निकालते हैं जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है या जो हार्मफुल प्रोडक्ट होता है. अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक्स का मतलब होता है आउट और क्रिएशन का मतलब होता है फ्लो, यानी बाहर की तरफ जो चीज़ फ्लो करके बाहर की तरफ निकल रही है वो है बेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, तो डिफिनेशन समझ में आ गई, मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि वो प्रोसेस जिसमें बॉडी में बन रही वेस्ट प्रोडक्ट को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको हम कहते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ केमिकल वेस्ट, यानी केमिकल वेस्ट वही ना जो बॉडी में बन रहा है, प्रोसेस के एक्टिविटी के थ्रू जो चीज़ें बन रही हैं वो है केमिकल वेस्ट. ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्रिशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग द होमोस्टैटिक कंडीशन ऑफ द बॉडी. यानी हमारी बॉडी जो है वो ऑल टाइम फंक्शन परफॉर्म कर रही है, बनाती जा रही है वेस्ट, तो वो डिपॉजिट नहीं करना है ना हमें कि बना रहे उसको इकट्ठा कर लें, ऐसा नहीं करना, उसको निकालते रहना, फिर वो बनाएगी, फिर निकालेंगी, फिर बनाएगी, फिर निकालेंगे, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी जिससे हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेटिक कंडीशन है, वो स्टडी कंडीशन है, वो पूरी तरह से स्टडी ही रहे, यानी एक बैलेंस कंडीशन में रहे. एक बैलेंस, जैसे कि हमारी बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं वो अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम कभी ना कभी लगी ही रहेगी. अगर वो बैलेंस रहेगा यानी हम हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो हमें कोई भी डिसीज नहीं होगी. तो वैसे ही है हमारी बॉडी का जितना भी फंक्शन, जितने भी पार्ट्स या ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं सबका बेस्ट तरीके से परफॉर्म करना और जो एक नेचुरल वे है उसमें परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई एक्सक्रेशन के बारे में तो हम समझ गए, उसके सिस्टम का भी हम पता कर लिए कि भाई क्या होता है, उसकी डिफिनेशन देख ली, बट क्या होता है, कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सक्रेटरी सब्सटेंस हम उसको बोल सकते हैं, किस चीज़ों को हम एक्सक्रेटरी बोल सकते हैं कि भाई ये तो वेस्ट है, हार्मफुल है, इसको बॉडी से निकालना, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए ना. तो जो सेकेंड यहाँ पे मैंने लिखा है वो वही चीज़ है कि कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं एनिमल्स की, ह्यूमन की बॉडी में होती हैं जो एक्सक्रेटरी हैं, जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. ठीक है,
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कैसे हम समझे, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकल ली है यानी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ये एक हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हमें बॉडी से बाहर निकालनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर एस्केटरी प्रोडक्ट जिसको हम रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं। जैसे कि यू नो जब खाना डाइजेस्ट होता है तो ऑक्सीडेशन होता है ना फूड का, उस ऑक्सीडेशन में ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसको हम रेस्पिरेशन के जरिए बाहर निकालते हैं। ठीक है, वाटर जो होता है वो स्वेटिंग हमें होती है, जो आंसू हमारे निकलते हैं सब वेस्ट प्रोडक्ट है। तो हमारी बॉडी से जो वाटर निकल रहा है स्वेटिंग और टीयर्स के यू नो उसमें, वो सब हमारे वेस्ट प्रोडक्ट ही है बॉडी के। ठीक है, उसके बाद है नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नाइट्रोजिनस यानी नाइट्रोजन ग्रुप का जो भी सब्सटेंस रहेगा वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस में या नाइट्रोजिनस वेस्ट में आएगा। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी अर्थ पे एनिमल्स हैं, कुछ एक्सेप्शन कुछ होके सब के सब नाइट्रोजिनस ही सब्सटेंस को वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन ग्रुप का होता है चाहे वो अमोनिया हो, चाहे यूरिक एसिड हो, चाहे यूरिया हो, जो भी हो वो नाइट्रोजिनस वेस्ट ही होगा। तो अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है हम सब ही अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, बहुत सारे के सारे ऑलमोस्ट एनिमल्स भी नाइट्रोजिनस वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो उसमें हम देख लें क्या क्या है, इंक्लूड यू नो यूरिया यूरिक एसिड एंड अमोनिया, ये सारे नाइट्रोजिनस ग्रुप के सब्सटेंस है। ये सारे के सारे क्या है सब के सब नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं या किसी और एनिमल की बॉडी से बाहर निकलते हैं। अगर हमारी बॉडी से बाहर कुछ एक निकला तो दूसरे एनिमल की बॉडी से कुछ और निकल रहा है, बट वो है अमोनिया यानी नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजिनस ग्रुप का ही सब्सटेंस है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड वन, एक्सेस सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है उसमें NaCl एंड इवन सम एक्सेस वाटर सॉल्युबल विटामिंस जैसे डी एंड सी नीड टू बी एलिमिनेटेड, यानी कुछ ऐसे एक्सेस सॉल्ट होते हैं जितनी हमारी बॉडी को चाहिए वो ले लेगी, यूटिलाइज कर लेगी, बट जो ज़्यादा हो गया या ज़्यादा बन के वेस्ट हो रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि एक्टिविटी चलानी है ना हमको, इकट्ठा करके नहीं रखनी है कोई भी चीज़। देखो फूड का डाइजेशन हो रहा है तो उससे जो एनर्जी बन रही है वो भी यूटिलाइज होती जा रही है, बनती जा रही है, यूटिलाइज होती जा रही है, क्योंकि ये जो बॉडी है वो ऑल टाइम वर्क कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेस सॉल्ट है वो भी बॉडी से बाहर निकाले जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने एक्सक्रीशन पढ़ लिया, क्या होता है उसकी डिफिनेशन देख ली, उसके बाद कौन कौन से सब्सटेंस जो होते हैं वो मतलब एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है हमारे या और एनिमल्स के, वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम आते हैं कि जैसे अब इस पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उनके पास बॉडी ऑर्गन्स है, या वो डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट है वेस्ट वो अपनी बॉडी से निकालते हैं। जब हम लोग फाइलम वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें जानेंगे कि कितनी ढेर सारी वेराइटी है एनिमल्स के इस वर्ल्ड में। तो अभी कुछ मैंने यहाँ पे एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं जिसको हम देखेंगे कि इस एनिमल का कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट है या कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है और क्या उनकी बॉडीज में कौन सा एस्केटरी सिस्टम है जहाँ से वो निकल रहा है। बात करते हैं, अभी मैंने यहाँ पे लिया है अमीबा, साइकॉन एंड हाइड्रा। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं वो उनका जो यू नो एस्केटरी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया। क्या होता है अमोनिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही इजी है कि जितने भी आपको एनिमल्स जितने भी स्मॉल एनिमल्स दिखेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी मतलब जो भी मल्टी सेलुलर की तरफ जो जा रहे हैं वो सब जो भी पानी में रह रहे हैं सबका क्या है वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया है। अमोनिया इसलिए है कि अमोनिया जो होता है बहुत पॉइजनस होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब वाटर में रहते हैं तो वाटर में रहने से अमोनिया को जब एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वो बॉडी से बाहर निकालते हैं तो ये वाटर में रह रहे हैं इसलिए अमोनिया भी कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है।
तो वाटर में वो डिसॉल्व हो जाती है, जिससे उसका पॉइजन जो होता है वो कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए अमोनिया जो है मोस्ट ऑफ द जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स है उनका वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर क्या होगा कि कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल का वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया हो गया तो क्या होगा, क्योंकि ये तो पानी में डिसॉल्व हो नहीं पाएगा। जो ज़मीन पे रहते हैं हम लोग, लैंड पे रहते हैं, उस टाइप के एनिमल्स के अगर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया हो जाए तो क्या होगा, वो जो है डिसॉल्व तो हो नहीं पाएगा, तो वो मिट्टी के साथ मिल के पॉइजन जो है और बढ़ा देगा एनवायरमेंट में। इसीलिए देखो नेचुरल भी कितनी चीज़ें बहुत वाइडली हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो वाटर में रह रहे हैं उन्हीं का वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया, ताकि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाए और अर्थ को या एनवायरमेंट को कुछ इफेक्ट ना हो। ठीक है, और हम पर्सन क्या है एनवायरमेंट को गंदा करने पे लगे रहते हैं, बट नेचुरली चीज़ें कितनी मैनेज की गई हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने अमीबा लिखा है जिसका यू नो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है अमोनिया है। और ये सब क्या है कि यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। क्या है? यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। इनकी पूरी बॉडी में जो होती है वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक सेल से बने होते हैं, तो इनका जो बॉडी होता है वो पूरे फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक बॉडी में जो सेल होता है। तो इसीलिए जो एक्सक्रीशन भी हो रहा है वो उनके बॉडी का जो एक सिंगल सेल है उसी से एक्सक्रीशन हो रहा है। तो जो बॉडी का जनरल बॉडी सरफेस एरिया है वहाँ से अमीबा हाइड्रा ये सब का क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है। क्या होता है कि जो वैक्यूल्स फॉर्म होता है ना, जब मैंने डाइजेशन पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि वैक्यूल्स फॉर्म करता है, वो बाहर से चीज़ों को अंदर लेता है या अंदर से चीज़ों को बाहर भेजता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो वैक्यूल्स के फॉर्म में ही बाहर जाते हैं। तो अमीबा में भी सेम ऐसे ही होता है, वो वैक्यूल्स जो बनते हैं उन्हीं के थ्रू खाना जो वेस्ट बच जाता है वो बॉडी से बाहर वैक्यूल्स के फॉर्म में जाता है। यानी बॉडी का जो सरफेस एरिया है, सरफेस है, वही एक्सक्रीशन भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग इसके बाद के भी फाइलम के एनिमल्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसके प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिसमें यू नो जो हम लोग ने अमीबा और हाइड्रा देखा उसके बाद का ये चार्ट है कि बाकी और उससे और डेवलप एनिमल्स में किस तरह के नाइट्रोजिनस वेस्ट पाए जाते हैं और उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लेटी हेलमिंथीज की, जिसमें आता है टैपवर्म। इसका क्या है नाइट्रोजिनस वेस्ट? अमोनिया। अमोनिया मैंने बताया ना कि जितने भी यू नो मॉइस्ट प्लेसेस पे या फिर वाटर में एनिमल्स रहते हैं सबका मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है? अमोनिया है। ठीक है, इसमें फैटी एसिड भी है। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है फ्लैम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एनिलिडा जिसमें अर्थवर्म आता है। इसका भी अमोनिया और यूरिया है, क्योंकि ये भी कहाँ रहता है? मॉस्ट प्लेसेस पे रहता है। इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है नेफ्रिडिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के बहुत से कैटेगरी है जिसमें क्रैब्स, स्कॉर्पियन, इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस ये सारे आते हैं। इसमें भी अमोनिया है क्रैब्स का और कॉक्सल ग्लैंड उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्कॉर्पियन का जो है वो यूरिक एसिड है और उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है कॉक्सल ग्लैंड एंड समटाइम मल्फीजियन टेबल्स। इंसेक्ट में मल्फीजियन टेबल्स पाया जाता है, जिस तरह से हमारी बॉडी में नेफ्रॉन वगैरह पाए जाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे इन लोग में मल्फीजियन टेबल्स पाया जाता है। ठीक है, इंसेक्ट और क्रस्टेशिया में भी यूरिक एसिड और अमोनिया है, जिनका भी एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? मल्फीजियन टेबल्स है। ठीक है, ये सब जो है हम जब फाइलम पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे क्योंकि जानना ज़रूरी है कि भाई इतनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स है तो उनके क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं और उनका ऑर्गन क्या है। उसके बाद मोलस्क की बात की जाए तो उसका अमोनिया और यूरिक एसिड है और इसमें जो है ऑर्गन्स ऑफ बोजनस उनका जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। उसके बाद एकाइनोडर्म का भी अमोनिया है और डर्मल पैपुली जो है उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। उसके बाद वर्टिब्रेट की बात करते हैं जिसमें फिशेस वगैरह आती हैं। ठीक है, तो इनमें जो है फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, वर्टिब्रेट में तो ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो ये
अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वर्टिब्रेट में हम भी आते हैं, तो ये अमीबा, ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो होती है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे बर्ड्स है, फिशेज हैं, तो इन सब में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एक्सक्रीटरी वेस्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो जब वेस्ट बन रहे हैं तो रेप्टाइल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, मैमल्स भी हैं, है ना। वर्टिब्रेट्स में तो फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स सारी चीज़ें आ रही हैं, बर्ड्स वगैरह सब आ रही हैं। तो जो पानी में रहते हैं उनका अमोनिया है, यूरिक एसिड किसी का, और हम लोग जैसे जो यू नो ह्यूमन बींग है उनका यूरिया है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो है वन पेयर ऑफ किडनी, यानी दे आर वेरी डेवलप्ड एनिमल देन दिस यू नो प्लेटीहेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इन सब से जो वर्टिब्रेट्स है वो ज़्यादा डेवलप है, इसलिए इनमें क्या पाया जा रहा है, वन पेयर ऑफ किडनी पाया जा रहा है, जो हम ह्यूमंस में भी पाया जाता है। और हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है, ठीक है। तो हम जब आगे बढ़ेंगे इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, किडनी का डिटेल स्टडी करेंगे और किस तरह से सिस्टम बनता है और किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है हमारी बॉडी से, वो पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो और आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का डिस्कशन समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।